हेलो एवरीवन, एज़ पर द रिसेंट अपडेट बाय कनाडा इमिग्रेशन, अगर आप विजिटर वीज़ा पे कनाडा के अंदर हैं तो आप अपने विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। अभी तक आप जो है ऑनलाइन अपने विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते थे अगर आपके पास जॉब ऑफर होता था, बट अब इस पॉलिसी को एंड कर दिया गया है कि अब आप अपने विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। तो ये पॉलिसी जो है स्टार्ट करी गई थी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे कि जितने विजिटर वीज़ा पे कनाडा के अंदर लोग थे वो अपने कंट्री वापस नहीं जा पा रहे थे, तो इसलिए उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि वो जॉब वहाँ पे लेके और अपने विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते थे। पर अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, पर इसमें अभी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जिससे कि आप अपने विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि ये प्रोसेस और ये ऑप्शन क्या है। लेट स्टार्ट। विजिटर्स नो लॉन्गर अलाउड टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट फ्रॉम विद इन कैनेडा। एज ऑफ 28 अगस्त 2024, IRCC हैज एंडेड द टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी डेट अलाउड विजिटर्स टू अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट फ्रॉम विद इन कैनेडा। द पॉलिसी वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन अगस्त 2020 टू असिस्ट विजिटर्स हु वर अनेबल टू लीव द कंट्री ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक related travel restrictions. Under this policy, visitors in Canada could apply for a work permit without having to exit the country. Additionally, foreign nationals who had previously held a work permit within the past 12 months and changed their status in Canada to visitors were eligible to apply for legal work authorization while awaiting a decision on their new work permit application. How can you still convert a visitor visa to work permit? आइए देखते हैं कि वो क्या तरीका है कि आप अभी भी अपने विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर इज फ्लैग पोलिंग। फ्लैग पोलिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग एग्जिटिंग कैनेडा थ्रू द US बॉर्डर, अप्लाइंग फॉर अ वर्क परमिट एंड री एंटरिंग कैनेडा। यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट इंटरिम ऑथराइजेशन टू वर्क वाइल वेटिंग फॉर योर वर्क परमिट अप्रूवल। Now let's see the steps for converting your visitor visa to work permit. First is apply for a visitor visa, then go to Canada. Second, getting a job offer and a LMIA within Canada. Third, apply for a work permit through flagpoling in Canada. Visit visa application process and fees. Application fee for Canada visitor visa is $100 Canadian. Biometric charge is $85 Canadian. एंड प्रोसेसिंग टाइम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 working days। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि आप अभी भी फ्लैग पोलिंग के ज़रिए अपना विजिटर वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।